समोसा कचौड़ी पकौड़ी खा के अगर बोर हो गए हैं तो चलिए आज बनाते हैं एक हेल्दी तरीके का नाश्ता जो बनाने में इजी है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। तो चलिए क्यों ना रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कप चना का बेसन, इससे बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। कभी आप बना के एक बार ट्राई करें फिर बताएंगे कि कैसा बना था। तो यहाँ पे हमें डाल देना है पानी, पानी डालना है एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही डाल देना है और इस तरह से हमें फेंट लेना है। तो चना का बेसन बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कम ही पानी में बनके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा पानी यहाँ पे और डाल दिया है और इसे हम हटा देना है। अब साथ में हमें डाल देना है कुछ सब्जी, जैसे बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ में हमें डाल देना है यहाँ पे बारीक काट के शिमला मिर्ची। अगर आप यहाँ पे और बहुत सारी सब्जियाँ मार्केट में आ रही हैं, कोई सब्जी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहीं पर हमने डाल दिया है बीन्स, बीन्स को भी अच्छे से हमने बारीक बारीक काट के डाल दिया है। साथ में डाल देना है प्याज, सभी सब्जी को हमने बारीक बारीक ही काट के लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाल दिया है हरी मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी डाल देते हैं धनिया पत्ती, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है और टेस्टी भी लगता है। अब यहीं पर मसाला डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल देते हैं अपने स्वाद के अनुसार, यहीं पे काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा पाउडर, बस बहुत ज़्यादा मसाला हम यहाँ पे नहीं डालेंगे और इस तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। तो चना बेसन का आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी है। तो कुछ डिफरेंट तरीका का नाश्ता बनाएंगे तो सभी को बेहद पसंद आएगी। अब यहाँ पे ले लेना है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देना है एक चम्मच छोटे चम्मच से तेल। आप देख सकते हैं हमने तेल बहुत कम लिया है, यहीं पर आधा चम्मच डाल देते हैं राई, अगर आपके पास जीरा है तो जीरा को भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं राई यहाँ पे अच्छे से क्रकल हो गई है। अब जो हमने बेटर बना के रखा है ना, यहाँ पे एक कलछुल उठा के डालेंगे, बहुत ज़्यादा बेटर को फैलाना नहीं है, वो अपने आप में शेप ले लेगा। तो देखिए बनके यहाँ पे हो गया है। अब इसे हमें ढक्कन से ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। गैस का फ्लेम आप मध्यम रखें, हाई फ्लेम पे ना रखें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने तेल को और डाल दिया है। अब इस तरह से हमें पलट लेना है। बहुत ही आसानी तरीके से बन के रेसिपी तैयार होगी, कोई भी झमेला ना कोई झंझट। तो आप देख सकते हैं फिर से हमें इसे 2 मिनट के लिए ढक देना है। तो 2 मिनट में ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और बिल्कुल सिक भी जाएगा, कहीं कच्चा का शंका भी नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर और लुक आया है इसका। तो इस बेसन के नाश्ते को आप ज़रूर से बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर हम डाल देते हैं तेल और यहीं पे थोड़ा सा राई को इस तरह से चटका लेते हैं, जैसे हमने पहले वाला प्रोसेस किया है ना, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं राई अच्छे से चटक गई है। फिर से एक कलछी बेटर को उठाएंगे, इस तरह से हम फैला देंगे। आप चाहे इस नाश्ते को तवा पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे ना तो देखने में इसका लुक बहुत ही सुंदर लगेगा और फटाफट बनके तैयार भी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को हटा लेते हैं, थोड़ा सा तेल इस तरह से डाल देते हैं ताकि नीचे से भी अच्छे से सिक जाए। तो हमें इसे भी अच्छे से पलट लेना है। तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला का भी कलर सेम उसी तरीके से बनके तैयार हो गया है। चलिए 2 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। इस नाश्ते में सबसे बड़ी बात आपको ये है कि ना तो चटनी ना तो सब्जी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं लगेगी, ऐसे ही खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप देख सकते हैं दूसरा भी बनके तैयार हो गया। चलिए फ्रेंड्स लगा लेते हैं प्लेट। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 पीस अच्छे से रख दिया है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसे चाय के साथ आप रोटी के साथ भी अगर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे आपके एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही हल्का फुल्का ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है, हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।